Hello students, today we are learn about chapter 5th. The topic is India's river. There is a small story let's discuss about. First, Ajay uncle, what is the longest river in India? यहाँ पे अजय अंकल जो हैं वो मेयर से पूछ रहे हैं कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इंडिया, इंडिया में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है. मेयर, इट इज़ द रिवर गंगा. मेयर का आंसर जो था वो बोली कि जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा है. अजय अंकल का रिप्लाई, दैट इज़ राइट, ये सही है. रिवर गंगा इज़ लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया. भारत में जो नदी है गंगा वो सबसे लंबी नदी है. इट इज़ 2510 किलोमीटर लॉन्ग. इसकी जो लंबाई है वो 2510 किलोमीटर लंबी है. द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द साउथ ऑफ इंडिया, जो सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है साउथ में यानी कि दक्षिण में, वो है गोदावरी, विच इज़ 1465 किलोमीटर लॉन्ग. जिसकी जो लंबाई है वो है 1465 किलोमीटर लॉन्ग. मेहर, वाओ, मेहर को सरप्राइज लगता है, होता है, बोलती है वाओ दैट इज़ रियली लॉन्ग, बोला सचमुच ये तो बहुत लंबी है. यहाँ पे एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया एंड आंसर इज़ गंगा. इंडिया हैज़ मैनी रिवर्स बिग एंड स्मॉल. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंस रिवर ऑफ इंडियाज आर द फॉलोइंग. इंडिया में बहुत सारी नदियाँ हैं, बहुत सी बड़ी हैं, बहुत सी छोटी हैं. कुछ इंपॉर्टेंट नदियों के बारे में यहाँ पे बताया गया है, चलिए देखते हैं. फर्स्ट इज इंडस, सेकेंड इज गंगा, थर्ड इज नर्मदा, फोर्थ इज तापी, नेक्स्ट गोदावरी, नेक्स्ट वन इज कृष्णा, नाउ नेक्स्ट इज महानदी एंड नेक्स्ट ब्रह्मपुत्र. All the major Indian river have their source at one of the following. हर एक नदी की सोर्स है, हर नदी का एक स्रोत है जहाँ से वो उसका उद्गम स्थल है यानी कि जन्म स्थान है. फर्स्ट द हिमालय एंड द कराकोरम माउंटेन रेंजेस इन नॉर्दर्न इंडिया. पहला है हिमालय के साइड में कराकोरम माउंटेन्स जो है, मतलब कराकोरम जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वहाँ पर उत्तरी भारत में. दे हैव अ लॉन्ग कोर्स एंड रन फ्रॉम द सोर्स ऑफ द सीज, दिज आर कॉल्ड हिमालय रिवर्स. एग्जाम्पल इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. जो नदियाँ हिमालय से निकलती हैं वो हैं इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र. सेकेंड द विंध्यास एंड द सतपुरा माउंटेन रेंजेज एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू इन सेंट्रल इंडिया और द सह्याद्री हिल्स वेस्टर्न घाट्स इन वेस्टर्न इंडिया. These are called peninsular river. Example, Mahanadi, Krishna, Kaveri and Godavari. Indian rivers can also be divided according to their water levels. Water levels के according भी जो भारत की नदियाँ हैं वो divide हैं. The Himalaya river have water throughout the year. जो हिमालय की नदियाँ हैं उनमें पूरे साल पानी रहता है, भरा रहता है. Rivers that flows throughout the year are known as perennial rivers. Example, गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र. जिसमें हमेशा पानी भरा रहता है उन्हें कहते हैं सदाबहार नदियाँ. perennial river का मतलब है सदाबहार नदियाँ, जैसे कि गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र. ये तीनों नदियाँ मुख्यतः सदाबहार नदियाँ हैं जिसमें कि पूरे साल पानी रहता है. मैनी ऑफ द peninsular river डो नॉट हैव अ कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ वाटर ऑल ईयर. रिवर which do not have a constant flow throughout the year are known as the non-perennial rivers. They have a seasonal or periodic flow of water. Example, Godavari, Mahanadi, Krishna. बच्चों यहाँ पे जो गोदावरी, महानदी और कृष्णा की बात की गई है नदियों की, इनमें पूरे साल पानी नहीं रहता, इसलिए इन्हें सदाबहार नदियाँ नहीं कहा जाता है. Let us learn more about some river of India. चलिए देखते हैं कुछ और नदियों के बारे में. हिमालय रिवर्स, फर्स्ट इंडस, इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड. ये सबसे लंबी नदी है दुनिया की. फाइव मेजर ट्रिब्यूटरीज मीट द इंडस इन पंजाब. पांच सहायक नदियां हैं जो इंडस रिवर में मिलती हैं. पंजाब, पंजाब का मतलब है
पन का मतलब जो है वो पाँच है यानी कि फाइव, एंड अब का मीनिंग है वाटर यानी कि पानी, दोनों वर्ड्स को मिला के बना है पंजाब। दिस आर दी चेनाब, झेलम, रावि, बीज एंड सतलज। यहाँ पे जो पांच नदियाँ हैं वो हैं चेनाब, झेलम, रावि, बीज एंड सतलज। सेकेंड इज़ गंगा, इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, ये भारत की सबसे लंबी नदी है। इट मीन्स द रिवर यमुना एट प्रयागराज, और ये यमुना से मिलती है प्रयागराज में, अर्लियर कॉल्ड इलाहाबाद। द चंबल एंड बेतवा रिवर्स आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना, यमुना की जो सहायक नदियाँ हैं वो चंबल और बेतवा हैं। देन सन रिवर, द सन रिवर इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। द हुगली रिवर इज वेस्ट बंगाल इज़ द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। हुगली नदी जो कि बंगाल में है वो मुख्यतः हमारी उप शाखा है गंगा की। थर्ड इज़ ब्रह्मपुत्र, बिगनिंग इन द तिब्बत, इसकी जो शुरुआत है यानी कि इसका जो उद्गम स्थल है वो है तिब्बत। द ब्रह्मपुत्र एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश, और ये भारत में अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है एंड फ्लो थ्रू असम, और कहाँ तक जाती है असम। इट देन मीट्स द गंगा इन बांग्लादेश, और ये कहाँ जाके गंगा से मिलती है बांग्लादेश में, एंड फ्लो इन टू द बे ऑफ बंगाल, और लास्ट में जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट टॉपिक इज पेनिनसुलर रिवर, फर्स्ट इज महानदी। द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ महानदी आर शिवनाथ, जोंग एंड हसदेव। इट फ्लोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ चंडीगढ़ एंड ओडिशा। महानदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो हैं शिवनाथ, जोंग एंड हसदेव। ये चंडीगढ़ राज्य से ओडिशा राज्य तक बहती हैं। सेकेंड इज गोदावरी, दिस इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। सम ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गोदावरी आर प्रणहिता एंड इंद्रावती। इट फ्लोज थ्रू महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, ओडिशा, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। जो हमारी सेकेंड नदी है स्टूडेंट्स वो है गोदावरी। ये हमारे भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो है प्रणहिता और इंद्रावती, और ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। थर्ड इज़ कृष्णा, द तुंगभद्रा इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द कृष्णा रिवर। द कृष्णा फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। कृष्णा नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है तुंगभद्रा, और जो कृष्णा नदी है वो महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। फोर्थ इज नर्मदा एंड तापी, दिस रिवर्स फ्लो फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट। द नर्मदा एंड द तापी फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात। नर्मदा एंड तापी ये दो नदियाँ हैं जो ईस्ट टू वेस्ट बहती हैं, और नर्मदा एंड तापी ये जो हैं दोनों नदियाँ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य से होकर गुजरती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ इंडियन रिवर्स। सोर्स ऑफ अ रिवर वेरी ऑफन इज इन द माउंटेन्स और हिल। माउंटेन रेंज लाइक द हिमालयाज एंड कराकोरम आर वेरी हाई। दे हैव स्नो ऑन देयर पीक्स। दिस स्नो मेल्ट इन समर एंड trickles down the mountain sides in a small stream. This stream flow into river. Such rivers are called snow-fed river. When river are formed due to the melting of glacier, they are called glacier-fed river. नदी का जो मुख्य स्रोत है वो है पर्वत। जो हमारा हिमालय और कराकोरम है वो बहुत ही ऊंचाई पे है, और वहाँ पे थ्रू आउट द एयर बर्फ़ रहती है, लेकिन जब गर्मी पड़ती है तो ये मेल्ट होती है यहाँ की बर्फ़, और माउंटेन साइड से छोटी छोटी धाराएं निकलती हैं रिवर के रूप में। कुछ नदियों को हमने कहा स्नो फेड रिवर, यानी कि स्नो फेड रिवर का मतलब है यहाँ पे जिसको बर्फ़ पिघलने से पानी मिलता है वो स्नो फेड रिवर हो गई। वेन रिवर आर फॉर्म ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर दे आर कॉल्ड ग्लेशियर फेड रिवर। और जब ग्लेशियर से मेल्टिंग होता है, मेल्ट ग्लेशियर होता है जब, तो उसको हम लोग ग्लेशियर फेड रिवर कहते हैं।
The river of central and southern India are mostly rain-fed river. जो central and south India की जो नदियाँ हैं उन्हें rain-fed river कहा गया है क्योंकि इन्हें बारिश से पानी प्राप्त होता है. This means that they receive water from the monsoon rains. इसका मतलब मैंने अभी आपको बता दिया कि ये लोग बारिश से पानी प्राप्त करती हैं. स्नो और ग्लेशियर फेड रिवर ऑफ नॉर्थन इंडिया, रेन फेड रिवर ऑफ सेंट्रल एंड साउथर्न इंडिया. इसको समझने के लिए सबसे यहाँ पे हमने दो पार्ट्स कर रखे हैं, चलिए देखते हैं. फर्स्ट है पैरेलियर रिवर, सेकेंड है फ्लो स्लोली व्हेन दे रीच द प्लेन्स. फ्यू वाटरफॉल्स, अ वाटरफॉल इज फॉर्म व्हेन वाटरफॉल फ्रॉम अ ग्रेट हाइट. वाटरफॉल तब बनता है जब ये ग्रेट हाइट से, ऊंचाई से नीचे गिरता है, तब हमारा वाटरफॉल बनता है. रेन फेड रिवर ऑफ सेंट्रल एंड साउथर्न इंडिया. अब रेन फेड रिवर की बात कर रहे हैं हम लोग. फर्स्ट इज सीजनल रिवर, ये मौसमी रिवर होती हैं. दे लूज अ लॉट ऑफ वाटर ड्यूरिंग समर, इनका पानी सूख जाता है गर्मियों में. फ्लो फास्टर दैन रिवर ऑफ नॉर्थर्न इंडिया ड्यू टू द रॉकी एंड अनइवन लैंड. ये बहुत फास्ट फ्लो करती है, मतलब फास्ट बहती हैं क्योंकि बहुत ही रॉकी एरिया होता है, अनइवन लैंड होता है, मतलब कि उबड़ खाबड़ ज़मीन होती है. थर्ड इज मैनी वाटरफॉल्स, एग्जाम्पल जॉग फॉल इन कर्नाटका. बहुत सारे जॉग फॉल्स हैं, बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं. जॉग फॉल जो है उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जो कि कर्नाटका में स्थित है. नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ इंडियन रिवर. फर्स्ट, इन द हाई एरिया अ रिवर फ्लो फास्ट. हाई एरिया में जो रिवर है वो फास्ट बहती है. इट रब्स अगेंस्ट रॉक्स एंड ब्रेक दैम इंटू स्मॉलर पीसेस. ये रॉक्स से टकराती है और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित कर देती है. इट केम्स दिस स्मॉल रॉक्स एंड स्टोन एज वेल एज सॉइल डाउन अलॉन्ग विद इट. और उसके साथ पत्थरों के साथ साथ ये अपने साथ साथ बहुत सारे मिट्टी भी लेके आती हैं. सेकेंड, अ रिवर लीव्स स्मॉल रॉक एंड स्टोन एज वेल एज सॉइल एट द बॉटम ऑफ वैली और टेक दैम डाउन टू द प्लेन. थर्ड, दिस रिवर ऑल्सो फॉर्म लार्ज बेसिन. ये नदियाँ जो हैं ये बड़ी बड़ी बेसिन बनाते हैं. अ रिवर बेसिन इज द एरिया विच गेट्स वाटर एंड स्लिट फ्रॉम द मेन रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी. यहाँ पे ये अपनी जो धारा है, मुख्य धारा है, वो बनाती हैं सहायक नदियों की. दिस इज हाउ द गंगा मेक्स द प्लेन वेरी फर्टाइल फॉर कल्टिवेशन. और इसलिए जो हमारी जो गंगा नदी है उसका जो मैदान है वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है, क्योंकि ये कई जगह से बह के आती हैं और इसके साथ बहुत सारा स्लेट यानी कि मिट्टी आती है जो कि बहुत ही उपजाऊ होती है. फोर्थ है द रेन फेड ईस्टर्न पेनिनसुलर रिवर सच एज महानदी, कृष्णा एंड गोदावरी फ्लो टूवर्ड्स द ईस्ट लाइक द गंगा. दे डिपॉजिट स्लेट इन द मिडल एंड लो एरिया डेल्टाज फ्रॉम एट देयर माउथ. दिस रिवर फ्लो इन टू द बे ऑफ बंगाल. जो हमारी महानदी कृष्णा एंड गोदावरी है ये हमारी पठारी नदियाँ हैं और ये भी अपने साथ बहुत बड़ी मात्रा में मिट्टी लेके आती है जो कि फर्टाइल होती है और ये अपने जो इसका माउथ होता है वहाँ पे डेल्टा बनाती हैं. और ये जो रिवर हैं बाद में कहाँ पे गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरती हैं जाके. फिफ्थ, सम ऑफ द मेन रेन फेड पेनिनसुलर रिवर लाइक नर्मदा पेरियार एंड ताप्ती फ्लो टूवर्ड्स. कुछ यहाँ मेन रेन फेड रिवर्स के नाम दिए गए हैं, नर्मदा पेरियार एंड तापी. Towards the west, they flow faster than the northern river and do not deposit as much slit in their middle and lower area. They do not form deltas. This river flow into the Arabian Sea. ये जो नदियाँ हैं ये ना डेल्टा बनाती हैं और ना अपने साथ बहुत सारी मिट्टी लेके आती हैं और ये अरेबियन सी की तरफ बहती हैं. Some important uses of Indian rivers are as follows. First is agriculture, यानी कि first जो है वो है कृषि. River carry soil rich and nutrient slit that is carried by Ganga, Yamuna, Godavari and so on is useful for agriculture. जो चिकनी मिट्टी है, जो slit आती है river के बहने के साथ साथ, वो बहुत ही उपजाऊ होती है और ये mainly हमको गंगा, यमुना, गोदावरी और एक दो नदियाँ और हैं उनमें मिलती हैं, जो कि बहुत ही ये फर्टाइल होता है कृषि के लिए. सेकेंड, द लार्ज बेसिन एंड डेल्टा ऑफ द रिवर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ फर्टाइल लैंड फॉर फार्मिंग.
जहाँ पे बेसिन और डेल्टा बनाती हैं नदियाँ, वहाँ का जो लैंड होता है बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होता है फसलों के लिए। थर्ड, रिवर वाटर इज डाइवर्टेड थ्रू कैनल्स टू एरिया वेयर देयर इज नो वाटर। सेकेंड हेडिंग इज इलेक्ट्रिसिटी। द सरदार सरोवर डैम ऑन द नर्मदा रिवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डैम बिल्ट टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। यानी इलेक्ट्रिसिटी मतलब होता है बिजली। बिजली बनाने में एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो एक बड़ा बांध है जिसका नाम है सरदार सरोवर डैम। ये एक एग्जाम्पल है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। यहाँ पे लिखा गया है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। थर्ड इज रिलीजन। मैनी रिवर्स इन इंडिया आर कनेक्टेड स्कैर। मैनी रिलीजियस इवेंट्स आर परफॉर्म ऑन द बैंक ऑफ द रिवर्स। रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक। हम लोग जैसे गंगा को अपनी माता मानते हैं, गंगा नदी को हमारी माता मानते हैं, गंगा माता, और उनकी पूजा करते हैं, और जितने भी कुछ धार्मिक कार्य हैं जो नदियों के किनारे संपन्न होते हैं। फोर्थ इज फिशिंग। फिशिंग इज डन द हुगली रिवर इन वेस्ट बंगाल। सिमिलरली मैनी अदर इंडियन रिवर्स आर द सोर्स ऑफ फिश फॉर इंडियंस। यहाँ पे ये बताया गया है स्टूडेंट्स कि हुगली रिवर में मछली पालन ज़्यादा, वहाँ से मछली पकड़ी जाती है, और भी नदियाँ हैं जहाँ से मछली पकड़ी जाती हैं और उसका व्यापार भी किया जाता है। सीधे से ये कहा जा सकता है कि जो रिवर्स होती हैं वो मछली पकड़ने का हमारे पास मुख्य स्रोत है, क्योंकि मछली जो है वो पानी में रहती है इसलिए। फिफ्थ इज ट्रांसपोर्टेशन। सम वाटर वेज आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। एग्जाम्पल द गंगा, भागीरथी, हुगली रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश टू वेस्ट बंगाल, द ब्रह्मपुत्र रिवर इन असम। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में स्टूडेंट्स मैंने आपको बता रखा है कि जो वाटर्स में चलते हैं साधन, उसे हम कहते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट, जैसे कि शिप, बोट, स्टीमर एक्सेट्रा। इससे हम बिजनेस भी करते हैं और पैसेंजर्स भी एक जगह से दूसरी जगह आराम से आ जा सकते हैं वाटरवेज के द्वारा। सिक्स्थ इज रिक्रिएशन। ऋषिकेश ऑन द बैंक ऑफ द गंगा इज फेमस स्पॉट ऑफ रिवर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग के लिए ऋषिकेश का जो किनारा है गंगा का, वो बहुत ही बेस्ट है। नेक्स्ट टॉपिक इज अंडरग्राउंड रिवर्स। समटाइम इन द मिडल एरिया अ रिवर माइट डिसअपीयर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ। दिस डज नॉट ऑलवेज मीन दैट इज हैज ड्राइड अप। समटाइम अ रिवर फाइंड्स अ क्रैक इन द ग्राउंड एंड बीइंग टू ट्रैवल अंडर द ग्राउंड। कभी कभी हम देखते हैं कि पानी सूख गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि नदी का पानी सूख गया है, वो अंडरग्राउंड हो जाता है। थोड़ा सा भी दरार देखिए, दरार के अंदर पानी रहता है, या थोड़ा सा खोदिए तो पानी निकलता है। तो इस तरीके से वो अंडरग्राउंड हो जाता है वाटर। अंडरग्राउंड रिवर के दो एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं। दो नदियाँ हैं जो मुख्य रूप से हैं पूरी दुनिया में। फर्स्ट है आपका नलिनिया इज मॉस्को एंड द फ्लीट इन लंदन। ये दो मेन रिवर्स हैं जो अंडरग्राउंड हो जाते हैं। जो हमारा सुंदरबन डेल्टा है वो ब्रह्मपुत्र एंड गंगा का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है दुनिया में हमारे, यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा बनता है सुंदरबन में, वो सबसे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल एरिया इन द वर्ल्ड। और सबसे उपजाऊ जो जगह है वो यही है पूरी दुनिया में। स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच।